तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दबा के सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ऑन करें, जिससे कि मेरी हर वीडियो को सबसे पहले आप देख पाएं। तो दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि जो हम लोग सभी लोग स्मार्टफोन और कंप्यूटर इत्यादि पे इंटरनेट चलाते हैं, इसको कनेक्टिविटी कहाँ से मिलती है? तो दोस्तों, इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। मैं हूं अनमोल और आप देख रहे हैं हमारे YouTube चैनल, आइए कुछ सीखते हैं। तो दोस्तों, आज हम लोग जानेंगे कि कैसे आपके मोबाइल को कनेक्टिविटी मिलती है और कैसे हमारे जो मोबाइल टावर्स को होते हैं इनको कहाँ से कनेक्टिविटी मिलती है और ये कैसे काम करते हैं। तो दोस्तों, आप ये बात तो जानते ही होंगे कि आपके मोबाइल को कनेक्टिविटी आपका मोबाइल टावर देता है। जो नेटवर्क आपको मोबाइल की कॉलिंग नेटवर्क, SMS नेटवर्क और इंटरनेट के नेटवर्क को प्रोवाइड कराता है। लेकिन दोस्तों, आपके मोबाइल टावर को कनेक्टिविटी कौन प्रदान करता है और इसको कनेक्टिविटी कहाँ से मिलती है जो ये नेटवर्क आपके मोबाइल तक पहुँचाता है? तो दोस्तों, आपके दिमाग में आ रहा होगा कि मोबाइल टावर को कनेक्टिविटी तो यार मेरे को पता ही है कि सैटेलाइट प्रदान करता है। लेकिन दोस्तों, अगर आप ऐसा सोचते हैं तो बिल्कुल आप गलत सोच रहे हैं। मोबाइल टावर को असलियत में कनेक्टिविटी कुछ केबल्स द्वारा मिलती है। दोस्तों, मोबाइल टावर का काम सिर्फ इतना होता है कि आप जिस भी लोकेशन पे हैं उस लोकेशन पे आपको नेटवर्क आपके मोबाइल में प्रोवाइड कराना। तो दोस्तों, आप जानते हैं कि मोबाइल टावर को आखिर कनेक्टिविटी कहाँ से मिलती है? तो दोस्तों, हमारे मोबाइल टावर को कनेक्टिविटी कुछ केबल्स द्वारा मिलती है, जो सारे ही मोबाइल टावर्स की कनेक्टिविटी को एक केबल में लाके, जो आपने देखा होगा कि रोड्स के किनारे आप देखते होंगे बहुत मोटे मोटे केबल्स रोड के नीचे ले जाए जाते हैं, जिनसे जो टावरों में बीच में ज्वाइन करके और मोबाइल टावर्स को कनेक्टिविटी दी जाती है, उन सभी केबल्स को एक केबल में कनेक्ट करके सभी केबलों को एक केबल में कन्वर्ट किया जाता है और इनको अलग अलग देशों तक पहुंचाने के लिए, हर देश को कनेक्टिविटी पहुंचाने के लिए समुद्र के नीचे, समुद्र के रास्ते से एक मोटी केबल्स को पहुंचाया जाता है। आप इस इमेज में देख सकते हैं कि इस इमेज में आपको सभी देशों के कनेक्टिविटी केबल्स की जो कनेक्टिविटी दी गई है वो आपको इस इमेज में दिख जाएगी। ये जितने भी आपको दिख रहे हैं देशों के बीच में कनेक्टिविटी के ये जो कलरफुल वायर, ये दोस्तों केबल्स हैं, जो आपको इस तरीके की केबल्स हैं जैसे आप इस इमेज में देख पा रहे हैं। तो इस केबल्स के द्वारा आपको हर देश में कनेक्टिविटी कनेक्ट किया जाता है, जिसमें हर देश में जो मोबाइल कंपनियां हैं, बड़ी बड़ी मोबाइल कंपनियां हैं, उनको नेटवर्क प्रोवाइड किया जाता है, जो दोस्तों आपके मोबाइलों तक पहुँचाते हैं नेटवर्क और सभी मोबाइलों में इंटरनेट की सुविधा का आप लाभ उठा पाते हैं। अगर आप सोचते हैं कि आपको नेटवर्क तो टावर देता है और टावर को सैटेलाइट, तो आप गलत सोच रहे हैं। समुद्र के नीचे बहुत ही गहराई में ये जो केबलें डाली जाती हैं, इन केबलों से एक देश से दूसरे देश को कनेक्ट करके आसानी से नेटवर्क को अलग अलग जगह पहुंचाया जाता है और इन केबलों को डालने का ठेका कुछ प्राइवेट कंपनियाँ लेती हैं, जिनमें इनमें करोड़ों अरबों का खर्चा दोस्तों आता है, जिनमें से कई कंपनियों के नाम आपको इंटरनेट पर ढूंढने से मिल जाएंगे। और दोस्तों, अगर इन केबलों को समुद्र के अंदर डाला जाता है तो इनको रोज़ और महीनों में निकालने का तो कोई सवाल उठता ही नहीं है। इनको एक बार डालने के बाद ये केबल सालों तक पड़ी रहती हैं दोस्तों, लेकिन फिर भी इनमें कई मोटी लेयर्स होने के कारण और अच्छी फाइबर्स का यूज होने के कारण ये केबल जल्दी ख़राब नहीं होती हैं और सालों, दसियों सालों, पचासों सालों तक दोस्तों ये केबल ऐसे पानी में पड़े होने के बाद भी कोई भी वाटर फॉल्ट और कोई भी किसी भी तरीके का कोई भी नुकसान होने की संभावना नहीं है। अगर ऐसा कोई भी फॉल्ट अगर इन केबलों में हो भी जाता है तो दोस्तों, आप देख सकते हैं इस इमेज में कि हजारों केबल्स आपको दिख रही होंगी जो एक देश से दूसरे देश को कनेक्टिविटी दे रही हैं। अगर एक केबल भी कोई प्रॉब्लम कर जाती है तो वो काम हम दूसरे केबल से कनेक्ट करके कर सकते हैं। बस इससे थोड़ा सा एक प्रॉब्लम आती है कि जो हमारे इंटरनेट की कनेक्टिविटी है उसमें कुछ बुफरिंग और कुछ स्लो हो जाता है हमारा इंटरनेट। तो दोस्तों, फॉल्ट होने की कोई गुंजाइश होने का तो कोई सवाल ही नहीं, क्योंकि दोस्तों जो भी इनमें मटेरियल यूज होता है वो बहुत अच्छी ही क्वालिटी का यूज किया जाता है और इसको इतनी गहराई में वाटर के अंदर, जो समुद्र की सतह होती है उसमें इतनी गहराई में डाला जाता है कि दोस्तों इसमें से जो भी फॉल्ट, कोई भी मतलब किसी तरह का कोई कट लगने का या कोई भी टूटने का केबल का सवाल नहीं होता है, जिससे इनको कोई भी नुकसान नहीं पहुंचता है और इन केबलों द्वारा हर एक देश को कनेक्टिविटी मिलती है, जिससे इंटरनेट कॉलिंग और अदर्स कई नेटवर्किंग आपको साइट्स पे काम आप कर पाते हैं।
तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक तो बनता है दोस्तों, और अगर आप ऐसी ही वीडियो और वीडियो के नीचे जो रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है उसको दबा के सब्सक्राइब करें, और आगे जो बेल आइकन है उसको जरूर प्रेस करें, जिससे कि हमारी हर वीडियो कोई भी अपलोड हो तो उसकी नोटिफिकेशन मिस ना हो और उसको आप देख पाएं। तो मिलते हैं दोस्तों किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, जय हिंद।